खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के खिलाफ दलित व आदिवासी संगठन देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी में सपा बसपा कांग्रेस आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में सपा बसपा कांग्रेस और भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। अम्बेडकर नगर में युवाओं ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। बलरामपुर में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और नारेबाजी की। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को लेकर हो रहे देशव्यापी आंदोलन में बहुजन समाज पार्टी ने भी विरोध जाहिर किया है। नवाबगंज से हजारों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ का नारा देते हुए रैली निकाली, जो शहर के तमाम इलाकों से होते हुए जाकर संपन्न हुई। रैली में मौजूद कार्यकर्ताओं ने फैसले खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा, यदि हमारे इस प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन नहीं मानता तो हमारा आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। भारत बंद के आह्वान पर बीएसपी और बाकी दलित संगठन के लोग विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। हम संपूर्ण अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक समाज के लोग एकजुट होकर जो प्रधानमंत्री ने बात कही है हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं कि इसको सदन बुलाकर ये जो जजमेंट हुआ है इसको निरस्त करें। दूसरा, जनगणना करा लें, जाति जनगणना करा लें, आर्थिक जनगणना करा लें, उसके बाद रिजर्वेशन उन लोग को दिया जाए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।